धार्मिक जथेबंदियां पर लगे जीएसटी को लेकर एसजीपीसी प्रदर्शन की राह पर जा सकता है, ये कहना है एसजीपीसी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर का। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कोई जीएसटी की मीटिंग पर कोई फैसला ना होने के बाद उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी। प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर ने कहा कि उन्हें बहुत हैरानी है कि 5 अगस्त को हुई मीटिंग में गुरुद्वारा पर लगा जीएसटी टैक्स पर किसी ने भी चर्चा नहीं की, जिस कारण अब एसजीपीसी अपने तौर पर इस टैक्स का विरोध करेगा और इसको लेकर आने वाली अंतरिम कमेटी में प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसके बाद इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकेले गुरुद्वारा साहब की नहीं बल्कि पिंगलवाड़ों पर लगा जीएसटी के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। इन स्थानों का अपनी कमाई का कोई भी साधन नहीं होता, वह लोगों द्वारा किए गए दान से ही अपना खर्च चलाते हैं। पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज़। मैंने बहुत अफसोस है और बहुत दुख की गल है कि भारत सरकार के जो फैसला दर फैसले आ रहे ने उहदे नाल समूह धार्मिक संस्थाओं नूं बहुत वड्डा नुकसान हो रहा है। पहले नोटबंदी नाल केवल गुरुद्वारा साहिब नहीं सारे धार्मिक स्थानों में बड़ा वड्डा नुकसान होया सी। 3 महीने श्रद्धालुओं के मन से बड़ा बोझ रहा, उन्हां कोल पैसा नहीं सी, वो गुरुद्वारा साहिब मंदिर जाण तों भी गुरेज़ करन लग गए सी। और हुण जो नोटबंदी के बाद ये GST जो लागू होया, कदे ऐसा पहला देश के इतिहास में आज़ादी तो बाद कदे नहीं सी होया। पहली बार होया कि ये गुरुद्वारा साहिबान ते होर जिहड़े धार्मिक स्थान ने और इत्थों तक पिंगलवाड़े ते भी GST का बोझ पाया गया। और जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 10 करोड़ रुपए तो ही वध सालाना बोझ पिया, उत्थे 3 करोड़ पिंगलवाड़े ते भी जिते बहुत अपाहज लोग हैंडीकैप्ड लोग जिहड़े वह उत्थे रह रहे हैं, जिन्हां दे रब दी वह कहट आया होया जिहदे विच मनुखता दा कान होया लगता है। और वह धन लोग जोड़े उस पिंगलवाड़े चलाने वास्ते उत्थे योगदान दे रहे हैं, पर उन्होंने वालों दिते हुए योगदान से भी टैक्स लाना किसी तरह भी योग नहीं सी, वाजिब नहीं सी, बेलोड़ा है और गैर कुदरती है। इस तरह जिस गुरुद्वारा साहब के लंगर में हर बशर जरा दुनिया का किसी पास वो आके लंगर छक सकता, प्रसाद लै सकता, सराव में रह सकता। और जो गुरुद्वारा साहब वालों सुख सहूलत दित्तियां जा रही सारी श्रद्धालुओं को, वह सारिया आनंद माण सकता है। उस गुरुद्वारा साहब के भी और दरबार साहब जो सारी दुनिया का सब तो उत्तम पवित्र स्थान है, उसते भी डेरा GST ला देना, ये किसी तरह भी वाजब नहीं है। और असी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर भी लिखा, और सारे पार्लीमेंट के देश भर के मैंबर साहबान भी असी अपील लिखिया लिखती रूप भेजिया। पर मैं अफसोस आ कि जरा 5 अगस्त को GST काउंसिल की मीटिंग हुई है, सूँ बड़िया आसा सी, जिस तरह के जो संकेत मिल रहे थे कि जरा इस काउंसिल के जरूर लंगर का और प्रसाद टैक्स ने GST है उन्होंने माफ़ किया जाएगा। पर मैं बहुत दुख ना अफसोस ना कह रहा कि माफ़ करना तो एक पासे रहा, वो विचार ही नहीं की गई। इसलिए मैं एक बार फिर उन्होंने समूह शक्तियों सारे पार्लीमेंट के मैंबर साहबान सारे वजीर साहबान केंद्र दिन और प्रधानमंत्री खजाना मंत्री अपील कराँगा कि बहुत नाजुक मामला है, सारी सिख संत सारे श्रद्धालुओं के मन में बड़ा वड्डा रोस है। और जो सच है उन्होंने पछाणद होया अपना फैसला GST लाने का वो वापस लेना चाहिए। और जे सरकार ऐसा नहीं करेगी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बड़े वे सिखे तिखे संघर्ष में पैदा हुई संस्था है। और जो कभी भी इतने कोई जाति हुई है वो तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिर कोई अपना अपना कोई ना कोई ऐसा संघर्ष का पैंतरा जरा अख्तियार किया। और जे नहीं होएगा तो असी अगली जी GST की मीटिंग है वो असी इस पूरा विचार प्रबंधन करके अगला फैसला लैन लिए असी जो मजबूर होवे।